ऑटोनोमिक रिसेप्टर्स ठीक है बच्चों लास्ट टाइम भी वी हैव डिस्कस्ड ऐसे न्यूरॉन्स जो ऐसे टाइल कोलिन रिलीज करेंगे उन्हें हम कहेंगे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो एपिनेफ्रीन नोर रिलीज करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे दिस विल बी एडिनर्जिक न्यूरॉन्स ठीक है डेफिनेटली एसिटाइल रिलीज हुई उसने किसी रिसेप्टर कह देंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। मेरी एपिनेफ्रीन नोर रिलीज हुई उसने बच्चों आगे जाके बाइंड करना है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे क्लियर यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है yeah. भई मैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर की बात करूँ या मैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर की बात करूँ ओवरऑल आई एम टॉकिंग अबाउट दी ऑटोनोमिक रिसेप्टर्स क्योंकि आपको पता है ना सिंपथेटिक पैरासिंपथेटिक इज़ एक्चुअली दी पार्ट ऑफ दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ठीक है रिवाइज yeah. कर लो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वॉज डिडेड सिंपथेटिक पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम भई मेरा जो पैरासिंपथेटिक न्यूरोन्स थे वो एसिटाइल ने रिलीज़ कर रहे थे yeah. के, के, नोरापिनाफ्रीन रिलीज़ कर रहे थे एसीडाइलकोलीन रिलीज कर रहे थे मेरा पैरासिम्पथैटिक न्यूरॉन वर रिल द एसीटाइलकोलीन उन न्यूरॉन्स को मैंने कह दिया कोलर्जिक न्यूरोनस एसीडाइलकोलीन वाज एक्टिंग ऑन द कोलीनर्जिक रिसेप्टर्स माय सिंपथैटिक इन माय सिपथैटिक नर्वस सिस्टम मेरे जो सिपथैटिक नर्व्स थी दिस वर रिलीजिंग एपीनेफरीन नोर एपीनेफरीन एंड दिस नोर एपीनेफरीन एपीनेफरीन वॉज वर्किंग ऑन द एडवीनरजिक रिसेप्टर्स ओके अच्छा बच्चों यहां तक मेरा कंक्लूजन आ गया कि मेरे ऑटोनोमिक रिसेप्टर्स आर ऑफ टू टाइप रिसेप्ट एंड दी कोलर्जिक रिसेप्टर्स जब मैं एड्री रिसेप्टर्स की बात करूँ दीज आर ऑफ टू टाइप्स एल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स मैं एल्फा रिसेप्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स एल्फा वन एल्फा टू मई बीटा रिसेप्टर्स आर ऑफ थ्री टाइप बीटा वन बीटा टू एंड द बीटा थ्री अभी हम लोग एड्रीनर्जी रिसेप्टर्स को डिस्कस नहीं कर रहे आज हम लोगों ने डिस्कस करने हैं आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को बच्चों कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी आर ऑफ टू टाइप्स दी मस्करीनिक रिसेप्टर्स एंड दी निकोटिनिक रिसेप्टर्स मस्करीनिक रिसेप्टर की फर्दर आपके पास पांच टाइप्स हैं फाइव टाइप्स हैं एम वन टू थ्री फोर एंड फाइव निकोटिनिक रिसेप्टर मेरे निकोटीनी के रिसेप्टर देखो मैंने आपका मस्करिनिक रिसेप्टर की कितनी टाइप्स हैं फाइव टाइप्स हैं मेरे निकोटीनी के रिसेप्टर की Two. दो टाइप्स हैं वो टाइप कौन सी है एक मैं कह दूंगी एन वन एक तो को मैं कह दूंगी एन टू अच्छा एन वन और एन टू के बच्चों और डिफरेंट नेम्स भी मेरे पास हैं एन वन का दूसरा नाम है एन एम ठीक है जो मेरे पास एन टू है उसका सेकंड एब्रीवेशन है दैट इज द और एन जी ठीक है अब जी मैंने एम क्यू कहा जी क्यों कहा दिस इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू दी लोकेशन फ़िलहाल यहाँ तक एक बात याद रखो जितने भी मेरे ऑटोनोमिक रिसेप्टर्स हैं दीज रिसेप्टर्स आर दी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट दी निकोटीनिक रिसेप्टर्स निकोटीनिक रिसेप्टर्स आर एक्चुअली दी आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी दीज आर एसोसिएटेड विद दी आइन चैनल्स मेरे निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ आके निकोटीन अटैच की मेरा रिसेप्टर ओपन कर दिया सोडियम की इनफ्लक्स होगी डीपोलराइजेशन होगी मेरे जो ये जी प्रोटीन बाकी रह गए जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर दीज आर एक्चुअली दी मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स क्लियर अब जी मैंने आपको कहा कि मेरे पास जी कंक्लूजन इज देर आर फाइव टाइप्स ऑफ मस्किनिक रिसेप्टर्स देर आर टू टाइप्स ऑफ दी निकोटिनिक रिसेप्टर्स अगर मैं अपने निकोटिनिक रिसेप्टर टाइप वन की बात करूं, माय दिस टाइप वन इज प्रेजेंट ऑन दी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन इसलिए तो मैंने इसके आगे एम लिख दिया ठीक है माय सेकंड टाइप इज प्रेजेंट ऑन दी गेंगलिया इसलिए तो मैंने इसके आगे जी लिख दिया दिस इज प्रजेंट ऑ ऑन दी गेंग्लिया दिस इज प्रेजेंट ऑन दी एड्रीनल मेड्यूला दिस इज प्रेजेंट ऑन इन दी एन एस ठीक है याद है जब हम लोगों ने नर्वस पड़ी थी हमने कहा था कि स्पाइनल कोड से नर्व निकली एड्रीनल मेड्यूला के ऊपर एसीटेल्कोलिन ने एक्ट किया स्पाइनल कोड से नर्व निकली उसने एसिटेल्कोलिन रिलीज़ किया प्रीसाइनेप्टिकली ए सी टाइल कोलिन डीनल मेड्यूला के ऊपर एक रिसेप्टर था दैट रिसेप्टर वाज एक्चुअली दिकोटीनी के रिसेप्टर उसके साथ बाइंड किया इन रिजल्ट आपके ड्विनल मेड्यूला ने एपिनेफ्रीन और नोर एपीनेफरीन रिलीज की क्लियर अच्छा भाई अब ये आपके पास जी आ गई लोकेशन ऑफ द निकोटीनी रिसेप्टर्स अब मेरे पास बच्चों रह गई हैं लोकेशन ऑफ द मस्क के रिसेप्टर्स अभी जी मजीद लोकेशन हम लोगों ने डिटेल में पढ़नी है मेरे पास अगर मैं बात करूं M1, M4 और M5 की ये पांच के पांच रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द CNS। अगर मैं बात करूं M2 रिसेप्टर्स की दीज आर प्रेजेंट ऑन दी हार्ट दीज आर प्रेजेंट ऑन दी एयरवेज यानी कि दीज आर प्रेजेंट ऑन दी ब्रोंकी होल्स अगर मैं एम थ्री रिसेप्टर की बात करूँ दीज आर आल्सो प्रेजेंट ऑन दी स्मूद मसल्स द कंक्लूजन इज़ मेरे पास एम टू और एम थ्री रिसेप्टर दोनों के दोनों रिसेप्टर मेरे स्मूद मसल्स के ऊपर प्रेजेंट हैं ठीक है अगर मैं पर्टिकुलरली अपनी एयरबेस की बात करूँ मीन्स ब्रौक्योल्स की बात करूँ वहाँ पे मेरे पास M2 टू भी है वहाँ पे मेरे पास एम थ्री रिसेप्टर भी है लेकिन भाई एक रिसेप्टर की टाइप मेरे पास वहां पर ऐसी है दैट इज इन मोर काउंट एंड दैट रिसेप्टर इज बेसिकली दू रिसेप्टर क्लियर बच्चों मेरे पास जी मजीद लोकेशंस कौन सी हैं लोकेशंस को देखने के लिए सबसे पहले आप लोग इस अपने फिगर के ऊपर आ जाओ चार्ट के ऊपर आ जाओ ठीक है मेरे पास जो मेरा एम वन रिसेप्टर है मैंने कहा दैट इज प्रेजेंट ऑन दी सी एन एस बच्चो माई एम वन रिसेप्टर माई एम वन रिप्टर वॉज ऑन द सी एन एस भाई सी एन एस में प्रेजेंट है तो डेफिनेटली क्या करेगा इम्पल्स की ट्रांसमिशन करेगा मेरा एम वन रिसेप्टर अगर प्री साइनेप्टली प्रेजेंट है भाई मेरे पास ये न्यूरोन है ठीक है उसके अपोजिंग साइड पर भी न्यूरोन है अगर तो प्री साइनेप्टिकली साइनैप्स से प्रेजेंट अगर मेरा यहाँ पर मेरा रिसेप्टर प्रेजेंट है आई विल कॉल इट ऑटो रिसेप्टर ठीक है ऑटो रिसेप्टर आर इन्वॉल्व इन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म यानी कि मेरी एक्सेसिव एसी टाइल्कोलिन रिलीज हुई मेरे इस ऑटो रिसेप्टर पर जाकर बाइंड की इसने न्यूरॉन को इंस्ट्रक्शन दी कि मजीद एसी टाइल्कोलिन नहीं बनानी तो मेरे इस टेबल में लिख दिया गया कि अगर दीज आर प्रेजेंट सी प्रिसाइनेप्टली इफ दीज आर ऑटो दिसेप्टर दे विल रिजल्ट इन इनहिबिशन ऑफ द ट्रांसमीटर रिलीज क्लियर अच्छा जी अब जी मेरे एम टू रिसेप्टर हार्ट पे प्रेजेंट हैं हार्ट पे कहाँ पर प्रेजेंट है दीज आर प्रेजेंट ऑन दी एस ए नोड एस ए नोड में वो क्या करेंगे डेक्लेरेशन करेंगे यानी कि ऐसे नोड की कंडक्शन को कम कर देंगे भाई दीज आर प्रेजेंट ऑन दी हार्ट हार्ट मसल्स पे प्रेजेंट है तो क्या करेंगे कंट्रैक्शन को डिक्रीज कर देंगे ठीक है जी इसके अलावा जी दीज कैन आल्सो बी प्रेजेंट प्री साइनेप्टिकली क्लियर भाई प्री साइनेप्टली खाली मेरे पास एम वन या एम टू रिसेप्टर प्रेजेंट ही नहीं है बल्कि प्री साइनेप्टिकली मेरे पास एम फोर बी प्रेजेंट है ठीक है अब जी मैं बात करूँ अगर एम थ्री रिसेप्टर्स की मेरे जो एम थ्री रिसेप्टर हैं बच्चों अब दीज आर प्रेजेंट ऑन दी स्मूथ मसल्स ऐसे ही पड़ा था ना yes, भाई कहाँ कहाँ के मसल्स के ऊपर प्रेजेंट हैं दीज आर प्रेजेंट ऑन दी स्मूथ मसल्स ऑफ दी आई जी आई टी दीज आर प्रेजेंट ऑन दी एयरवेज यानी कि ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट है जेनिटो यूरिनरी ट्रैक में प्रेजेंट है वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट हैं इसके अलावा आपके स्वेट ग्लैंड्स को भी ये रेगुलेट कर रहे हैं ठीक है अगर मैं आइस के ऊपर बात करूं मेरे ये एम थ्री रिसेप्टर आइज़ के मसल्स दो मसल की टाइप्स के ऊपर प्रेजेंट हैं सर्कुलर एंड सिलरी मसल्स और इन दोनों मसल्स की वहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं अगर मैं जी ब्रोंकिस की बात करूँ तो मेरे एम थ्री रिसेप्टर ब्रोंकि में क्या करवा रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन अच्छा इसके कंपेरेटिवली देखो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स वहां क्या करवा रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन के रिलैक्सेशन ऑपोजिट इफेक्ट आगे ना स्मूथ मसल्स दो टाइप के हैं एक कहाँ के मेरे ब्रोंकी के एक मेरी ब्लड वेसल्स के ब्रोंकियोल्स में तो उसने कॉन्ट्रैक्शन करवा दी लेकिन इसने क्या किया ब्लड वेसल्स में रिलैक्सेशन करवा दी ये पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस करना है बच्चों अगर मैं आपके ब्लड वेसल्स की बात करूँ स्केलेटल वेसल्स की वहां रिलैक्सेशन करवा रहे हैं और अगर मैं ब्लड वेसल्स के एंडोथ की बात भी करूं तो वहां भी रिलैक्सेशन करवाने हैं क्यों रिलैक्सेशन करवाने हैं यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिखा है इसको अब भी हमने मज़ीद आगे जाकर डिस्कस करना है बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द रिलैक्सिंग फैक्टर रिलैक्सिंग फैक्टर कौन सा है दैट इज द एंडोथीलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर एंडोथीलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर की वजह से ठीक है अच्छा जी जी की अगर मैं बात करूँ तो भाई मेरे जो वॉल्स हैं वहाँ की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और अगर मैं मसल्स की बात करूँ स्फिंक्टर्स की बात करूँ तो उनकी रिलैक्सेशन हो रही है अगर मैं एक्जोक्राइन ग्लैंड्स या सिक्रीटरी ग्लैंड्स की बात करूँ तो जीआई में ये क्या करवा रहे हैं सिक्रीशंस को एनहेंस करवा रहे हैं ठीक है थीके? अगर मैं स्वेट ग्लैंड्स की बात करूँ तो वहाँ पर जी वहाँ पर भी सक्रीशंस एनहेंस हो रही है बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द एम थ्री रिसेप्टर्स क्लियर अच्छा एम फोर और एम फाइव आर प्रेजेंट ऑन दी सी एन एस ठीक है अच्छा जी एम फोर आर आल्सो प्रेजेंट प्री साइन एप्टिकली क्लियर या आपके पास बच्चों लोकेशन आ गई आपके मस्करीनिक रिसेप्टर्स की अब जी हम आ जाते हैं आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर बच्चों मेरे जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं मैंने कहा दीज आर द दिनोटॉपिक रिसेप्टर दीज आर आइन चैनल एसोसिएटेड मेरा इसी निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड किया चैनल ओपन हुआ सोडियम की इनफ्लक्स हुई डीपोलराइजेशन हुई क्या ये मेरे निकोटिनिक रिसेप्टर एक्साइटेटरी हैं या इनहिबिटरी हैं एक्साइटेटरी। अब जी देखो मेरे पास जी एम वन टू थ्री फोर फाइव पांच तरह के मस्करिनिक रिसेप्टर हैं एम फोर आर एसोसिएटेडी जी आई प्रोटीन ठीक है इन्होंने इनहिबिट कर दिया साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन को एडेनाइल साइक्लेस को इनहिबिट किया जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी नहीं बना नॉ दीज एम टू एंड फोर आर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इनहिबिटरी देन आई हैव दन थ्री एंड दाइव दीज आर एसोसिएटेड विद दी जी क्यू प्रोटीन जिसकी वजह से कैल्शियम की इनफ्लक्स हो रही इन होल मुझे देखने में क्या लग रहा है ये एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है एक्साइटेटरी ही लग रहे हैं लेकिन देखो बच्चों अभी हम लोगों ने एम थ्री में डिस्कस किया मेरे एम थ्री रिसेप्टर जब मेरे ब्रोक्यूल्स पे प्रेजेंट थे तो जब मेरे एम थ्री रिसेप्टर मेरे ब्रोक्यूल्स पे प्रेजेंट थे तो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे थे जब ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट थे तब क्या करा रहे थे रिलैक्सेशन मीन्स कहीं ना कहीं मेरे पास एक अपोजिंग इफेक्ट आ रहा है क्यों आ रहा है इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है अभी तक का कंक्लूजन द डिफरेंस बिटवीन द निकोटेनिक एंड रिसेप्टर इज दैट मेरे निकोटिनिक रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन दीज आर द आइनोटॉपिक मेरे पास जो मेरे मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं दीज आर दी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स मेरे निकोटेनिक रिसेप्टर की दो टाइप्स हैं जबकि मस्करीनिक रिसेप्टर की फाइव टाइप्स हैं मेरे पास जितने भी निकोटेनिक रिसेप्टर्स हैं दीज आर एक्साइटेटरी जबकि मेरे मस्करिनिक रिसेप्टर्स कैन बी एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी एज वेल ठीक है बी अब फिफ्थ डिफरेंस मेरे पास आ गया लोकेशन का डिफरेंस निकोटेनिक रिसेप्टर्स मेरे पास प्रेजेंट थे मेरे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे गेंगलिया पे एड्रीनल मेड्यूला में और सी एन एस में जबकि मेरे मस्करिनिक रिसेप्टर सी एन एस पे प्रेजेंट थे हार्ट पे प्रेजेंट थे स्मूथ मसल्स के ऊपर प्रेजेंट थे ठीक है